नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं बारस मरवा। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें, मऊ पुलिस गाजीपुर पहुंची और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की लिए उनके घर पर, जिसका नाम फाटक है, उस पर दबिश डाली। वहां पर सांसद अफजाल अंसारी मिले। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि अफशा कहाँ है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की तलाश में गाजीपुर पहुंची मऊ पुलिस। सांसद अफजाल ने ये बताया, IS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस लगातार एक तरफ जहां अवैध रूप से अर्जित बेनामी संपत्तियों को कुर्क कर रही है, वहीं मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी की तलाश में तबाहतोड़ छापेमारी कर रही है। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस लगातार एक तरफ जहां अवैध रूप से अर्जित बेनामी संपत्तियों को कुर्क कर रही है, वहीं मुख्तार की पत्नी अफशा की तलाश में तबाहतोड़ छापे मार रही है। गैंगस्टर के मामले में वांछित पूर्व विधायक मुख्तार की पत्नी और 50,000 की इनामी अफशा अंसारी की तलाश में गुरुवार को मऊ पुलिस गाजीपुर पहुंची। दर्जी मोहल्ला स्थित पैतृक आवास फाटक एवं प्रिंस सिनेमा के सामने स्थित आवास पर पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान पुलिस टीम को कोई कामयाबी नहीं मिली। मऊ जनपद के दक्षिणी टोले थाने इंस्पेक्टर मूलचंद चौरसिया ने बताया कि अफशा अंसारी पर थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसमें पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पैतृक आवास फाटक पर सांसद अफजाल अंसारी मिले। उन्होंने बताया कि वो अफशा अंसारी के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। दबिश के बाद पुलिस लौट गई। पुलिस के कई गाड़ियों के काफिले एवं भारी संख्या में पुलिस बल देख आसपास के लोग काफी संख्या में एकत्र हो गए। इन दिनों अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन UPSTF के निशाने पर है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही वो फरार चल रही है। वहीं अब पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा भी पुलिस की रडार पर आ गई है। बुधवार को ही गाजीपुर पुलिस ने अफशा अंसारी पर घोषित इनाम राशि 25 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी। वो मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार चल रही है।